हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है 14th of February और आज मुझे जाना है, मुझे और मेरे हस्बैंड को जाना है एक इंगेजमेंट में। और वहाँ से हम निकल रहे हैं घूमने, बिकॉज कल मेरे हस्बैंड का है बर्थडे, तो उसके लिए एक सरप्राइज़ है छोटा सा। और हम घूमने भी जा रहे हैं सो दैट वी कैन यू नो इन्जॉय और अपना अपना टाइम हम स्पेंड कर सकें, क्योंकि अपना ऑफिस का टाइम रहता है सबका अलग। और मैं आपको मिलती हूँ फटाफट से क्विक चेंज के बाद। वेलकम बैक गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी और हम बस एंगेजमेंट में पहुंच गए, थोड़ा सा लेट हो गए। और यहाँ से हम निकलेंगे घूमने। यहाँ पे ना बस सगाई हो गई थी, हम खाना खा के निकल ही रहे थे बस। हाय गाइस, तो हम निकल चुके हैं एंगेजमेंट से और प्लान में थोड़ा सा चेंज है। पहले हम जा रहे थे कोटी कनासर जो है चक्राता से आगे, पर क्योंकि हम वहाँ जाते जाते ही लेट हो जाएंगे तो अब हम जा रहे हैं मसूरी की तरफ। मतलब हाँ, मसूरी की तरफ ही जा रहे हैं, थोड़ा आगे उससे, जहाँ हमें अच्छी लोकेशन मिल जाए, अच्छा व्यू मिल जाए, हम वहाँ जाएंगे और वहाँ रुकेंगे और वहाँ हम सेलिब्रेट करेंगे मेरे हस्बैंड का, शुभम नेगी का बर्थडे। तो हम कर चुके हैं चेंज और हम निकल चुके हैं मसूरी के लिए। वेलकम बैक गाइस, तो हम ना बहुत चढ़ाई कर करके पहुंच गए हैं, हमें ना कैंप मिला है। व्यू तो इतना नहीं है बट हाँ, कैंप्स ठीक है। यहाँ पे मैं कैंप्स दिखा देती हूँ आपको। ये है रूम, वॉशरूम भी यहाँ का ठीक है जिस हिसाब से है। और यहाँ पे हमने बॉनफायर भी करवाया है। गुड मॉर्निंग गाइस, हम उठ चुके हैं और अभी हम पी रहे गर्म पानी। सब मुझे ऐसे देख रहे हैं ना। और ये रहे बर्थडे बॉय, दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं क्या? बहुत अच्छी धूप आ रखी है यहाँ पे। ये है वो कैंप्स जहाँ पे हम रुके हुए हैं, रात को मैं अच्छे से दिखा नहीं पाई। तो अभी हम हो गए हैं रेडी निकलने के लिए, हम जा रहे हैं सुरकंडा देवी टेम्पल। और उससे पहले अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं शुभम का बर्थडे। गाइज, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से सुरकंडा देवी के लिए। सेलिब्रेट हमने कर लिया है, आप देख ही चुके होंगे, छोटा सा ही क्लिप था। और अब हम निकलते हैं, लेट्स सी, वहाँ पहले दर्शन करेंगे और फिर थोड़ा कुछ खाएंगे और फिर घर निकलेंगे। पहुंच तो गए हैं, अभी हम चढ़ाई करेंगे या हम ट्रॉली लेंगे चढ़ने के लिए। और अभी हमने यहाँ से ले लिया है प्रसाद चढ़ाने के लिए ऊपर। हम बैठ चुके हैं अपनी राइड पे और हमारी राइड शुरू भी हो चुकी है। और थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि मुझे हाइट से थोड़ा डर लगता है। रोड 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 तो साहब पीयूष की फटते हुए ऐसे मत करो, तुम मजाक नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक चीज है ये, इनमें भरोसा मत कर ज्यादा। हम पहुंच गए मंदिर। Thank you.
अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि कपाट अभी बंद है और 12:30 बजे दरवाजे खुलेंगे, तब हम दर्शन करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। करेगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बोले बोले कुछ चला रहा होगा। हम दर्शन कर चुके हैं और रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने सोचा कि तसल्ली से दर्शन किए जाए, उसे क्या ही रिकॉर्ड करना। चाय मंगाई है, अभी हमारा बाकी खाना भी आ रहा है। चाय कैसी है? अच्छी है ना, जैसे गांव की चाय। आपको कैसी लगी? बहुत ही बढ़िया। बहुत एक्चुअल में बहुत अच्छी चाय है, गांव वाली चाय है। बहुत टाइम बाद पी ऐसी चाय। चाय के बाद हमने मंगाया कढ़ी चावल और चौमिन जो कि ओके ही था। और फिर यहाँ से हम कनातन निकल रहे थे क्योंकि हमने सोचा वहाँ पे एडवेंचर है तो क्यों ना वो किया जाए। गाइस अभी हम ना कनातन की साइड आए हैं, हमने सोचा कि स्विंग ट्राई करते हैं जो जाइंट स्विंग है यहाँ पे, पर देख के तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे मतलब 3 भी लोग एक साथ बैठते हैं, 2 भी बैठ सकते एक साथ, पर ये बहुत दूर तक जाएगा। वीडियो में इतना खतरनाक नहीं लग रहा जितना साथ में है, मतलब सामने है जितना। पीछे भी पुली है, ऊपर भी पुली है, हर जगह पुली है भाई। चलो एक मिनट रुक, यहाँ पे ना शुभम ट्राई कर रहे थे, लाइक शुभम ने साइकिलिंग की थी और उनको इतना डर लग रहा था ना, हम वहाँ से इतना हंस रहे थे उनके एक्सप्रेशंस देख के कि कैसे वो कर रहे हैं, क्योंकि डर तो लग रहा था क्योंकि नीचे सिर्फ खाई थी और दोनों ही सिर्फ वो पोल्स जो रोप है ना उसमें साइकिल बहुत हिल रही थी और इसमें सबको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। यहाँ पे किया है उसके बाद जो जिप लाइन होती है कि रोप में आपको सिर्फ पूरा एक पुश दिया जाएगा और सीधे आप आ जाओगे। गाइज अभी ना हम एक राइड करके आए हैं, एक तो थी साइकिलिंग की जो मैंने नहीं की, शुभम ने की जिसमें बहुत डर लगा है उन्हें, और दूसरा हमने क्या किया है वो रोप वाला जिससे रोप से जाते हैं जो एक बार में स्विंग हो जाती है, तो वो था हमने वो किया, मैंने वो किया है। और पर साइकिलिंग हमने मैंने नहीं की क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा डर लग रहा था, पर शुभम ने बिल्कुल किया, हमने एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक रहा है। और इसके बाद हम जाने वाले हैं इस स्विंग में हम जाने वाले हैं और इसका भी एक्सपीरियंस मैं ज़रूर बताऊँगी कि कैसा रहा। गाइज अगर आप इस स्विंग में बैठ गए ना तो अपने रिस्क पे बैठना क्योंकि इतना डरावना है, लाइक मुझे तो हाइट से वैसे ही बहुत डर लगता है। और इन्होंने ना हमारे साथ प्रैंक किया कि हम ना सिर्फ जो व्हाइट पोल है ना वहां तक ऊपर लेके जाएंगे, पर इन्होंने पूरा ऊपर लेके, वो बहुत ही डरावना फेज था। वहां से हमने सारी राइड्स की और फिर हम अपने अपने घर को यहाँ पे निकल गए थे। बीच में हम एक दो जगह रुके पर ओवरऑल बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। स्विंग्स उसमें करी जिसमें मैंने सिर्फ 2 ही की, साइकिलिंग वाली मैंने नहीं की क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा डर लग रहा था, पर जो वो जाइंट स्विंग थी ना उसमें इतना डर लगा, मैं जिसका कमज़ोर दिल होता है ना वो तो शायद मुश्किल ही कर पाएंगे क्योंकि मेरे को ही इतना डर लगा था और मुझे हाइट से वैसे ही बहुत डर लगता है। तो अगर कोई करे तो अपने ही रिस्क पे करे वहाँ जा रहे हैं, तो बाकी मज़ा एंड में बहुत आया क्योंकि हम फिर उसी की बातें करते हुए आ रहे थे। और बस हम घर पहुँच ही रहे हैं और बस मैं अपना आज के लिए ब्लॉग भी एंड कर ही रही हूँ, सो अब आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ।